शर्मा जी। जी शर्माइन। अरे भूख छोड़ दीजिए, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ। आपने मुझे वो हलवा बनाने की रेसिपी बताई थी ना। हाँ। देखिए मैंने वैसे ही बिल्कुल हलवा बनाया, खाइए। मेरे लिए स्पेशल? यस। क्या बात है शर्माइन। बहुत टेस्टी है शर्माइन, बहुत टेस्टी है। तो तुम नहीं खा रही? आप खिला नहीं रहे हो। सॉरी मैं भूल गया, क्या कि हलवा इतना टेस्टी है कि मैं हलवा बनाने वाली को ही भूल गए। नहीं नहीं शर्माइन, मैं ये कह रहा था कि क्या 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 कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि आपने ये हलवा स्पेशली मेरे लिए बनाया है, तो मैं क्यों बांटूं भाई इसको? शक्कर कहाँ है? शक्कर ही डालना भूल गई मैं। इसीलिए तो मैं आपको नहीं बता रहा था शर्माइन। तो फिर आप इतने मजे ले लेकर कैसे खा रहे थे? क्योंकि आपने इतने प्यार से मेरे लिए बनाया है ये हलवा। ओह, सो क्यूट। मेहमान आ गए। मेहमान आ गए। मैं ये हलवा खा के जाऊंगा मैं। शक्कर नहीं है, क्या कर रही हूँ? आपका स्वागत है शर्माइन शर्मा हाउस में। या थैंक यू। आप इन्हें तो जानते होंगे, सतीश शर्मा, मैं इनकी अर्धांगिनी सुनीली शर्मा। ओके नमस्कार। बहुत छोटा सा दिया। चलिए आप भी अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मंदार कुलकर्णी, मैं थाना से बिलोंग करता हूँ। एज अ प्रोफेशनल मैं सीनियर डिजाइनर ऑयल एंड गैस में काम कर रहा हूँ। हाय, आई एम हर्षला। हम लोग थाना में रहते हैं और मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और फिलहाल मेरे बेटे के लिए मैं घर पे ही हूँ। इनके बारे में अगर कोई भी अच्छी बात मुझे कहनी है तो अच्छी बात यह है कि मेरा कुछ भी डिसीजन हो, वो डिसीजन में ऑलवेज मुझे इनके पास से सपोर्टिवनेस यस ही मिलता है। इनकी अच्छी बात जो मुझे बहुत ही दिल से अच्छी लगती है वो ये है कि इनका दिल बहुत अच्छा है। हाय, मैं रॉजर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। फिलहाल मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा नाम मोइलिन है, मैं मुंबई में रहती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत जो लगती है वो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, पर साथ ही में ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं। और मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत लगती है कि बहुत केयरिंग, लविंग, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले और बहुत इमोशनल हैं। जी आपकी शादी कैसी हुई? अरेंज मैरिज या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज बेसिकली। वाओ, इंटरेस्टिंग। कैसे? हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हम लोगों का आगे रिश्ता बढ़ा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि मेरा साइट वहाँ, मेरा प्रोफाइल वहाँ उस साइट पे बना हुआ है। आपको पता ही नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रही हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, मम्मा ने प्रोफाइल क्रिएट किया था और वही हैंडल कर रही थी? जी बिल्कुल, वही लड़कों से इंटरेक्ट कर रही थी। और आपको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे लड़का? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ऐसे देखा जा रहा है, मेरी शादी की तैयारी प्लान कुछ हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। मम्मा मुझसे पूछती थी इनकी प्रोफाइल दिखा के तुम्हें लड़का पसंद है बेटा? और मैं बोलती थी नहीं पसंद है, क्योंकि हाँ बोलेंगे तो करवा दी जाएगी। तो इसलिए मैं बोलती थी नहीं। वो अलग बात है कि मैं चुपके से दूसरे कमरे में जाके वो फोन उठा के वो प्रोफाइल में जरूर इनकी देखती थी कि अच्छा ये ऐसा है, लेकिन जैसे ही उनके सामने आती थी नहीं 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 मुझे लड़का पसंद नहीं है। तो ये होता था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर इनका जब नंबर दिया तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट कॉल करना सही नहीं रहेगा, तो पहले टेक्स्ट कर दिया 9:30 कि मैं आपको 10 बजे कॉल करूंगा। और ठीक 10 बजे मैंने इनको पहला कॉल मारा जी। हमने 3.5 घंटा पहली बार कॉल बात करी, पहली कॉल पे ही 3.5 घंटा। तो 10 बजे जो कॉल चालू हुई वो 1:30 बजे रात की खत्म हुई जाके। विद इन 5 डेज जो हमारे माँ बाप मिले आपस में। मिले तो जब वो मिलने के लिए मेरे पेरेंट्स निकले इनके पेरेंट्स के घर के लिए, तब उसी समय मैंने फोन मिला दिया इन्हें। उसी पल में इन्होंने मुझे उस समय प्रपोज किया फोन पे। फोन पे? हाँ। और मिले, देखा नहीं, एक बार भी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने इन्हें फोन मिलाया, फोन मिलाने के बाद जब बात करनी शुरू की, इन्होंने प्रपोज जब किया मुझे, मैंने एक झटके में हाँ बोल दी। आपने हाँ बोल दिया। मतलब हमारे माँ बाप अपने मिलके मीटिंग कर रहे हैं
वो उठी, 4-5 घंटे की मीटिंग चली, हमने यहाँ फिक्स कर लिया चाहे मीटिंग में हाँ हो ना हो हम लोग कर लेंगे, मार आशीष चालू हो गई। फिर जैसी मीटिंग हुई वो पॉजिटिव मीटिंग हुई तो हमारी फिर शादी हुई। क्या बात, तो आपने मम्मी को थैंक यू बोला? मम्मा तो हमेशा कहते देख मेरी वजह से तुम लोग मिले, वरना कहीं मिल नहीं पाते। सही बात है। और इतनी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी मिस्टर मिसेस कुलकर्णी, आप बताइए ये अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? ये लव है जो हम लोग ने अरेंज करवाई हुई है। क्या बात है, ऐसा था कि फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में आ गए, ये थी बी डिवीजन में, मैं था ए डिवीजन में। जी। मेरा भाई था वो हम लोग से 2 साल बड़ा, वही स्कूल्स में था। मेरा भाई इनके साथ पहले इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इनका थोड़ा जो ये था कि एक ग्रुप्स था, जो ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती स्कूल्स में, तो उस तरफ इसके और इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी ऐसा था 6th में मुझे थोड़ा थोड़ा चालू हो गए थे भाई हम लोग, मैं भी इंट्रोड्यूस क्यों ना करूँ, अगर भाई 8th में करके इसका इंट्रोड्यूस कराए तो मैं तो एक ही डिवीजन में हूँ, मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने एक बार भाई को बोला भाई मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवा दे। तो एक दिन आया भाई, बोला आज इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो मैं बोला चलो, भाई लेके गया, भाई बोल रहा है ये मंदार तू तो पहचानते? मैं बोला पहचानता हूँ। वो दिन था रक्षाबंधन। ओए यार ये अभी ऐसा दिन आ गया कि मैं बोल रहा हूँ भाई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये तो राखी बन के खड़ी हो गई। मैं भाई की तरफ देख रहा हूँ, भाई ये जुड़वा रहा है कि तोड़वा रहा है? घर पे जाके तो मैं तोड़ दूंगा। इसके भाई मेरे पास आया और बोला कि देखो हम दोनों भाई है, हमारी कोई बहन नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो कैन यू प्लीज टाइम मी राखी? तो आई सेड ओके, आई डोंट हैव एनी। समझ सकते ना मेरी हालत। तो राखी तो बांध ली। 1 साल गुजर गया, 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक वही सिलसिला चलता था। वो सिलसिला हमारे शादी के बिफोर 2 इयर्स तक जारी था कि घर पे जा रहे राखी बांध रहे भाई दीज को ये कर रहे। आपके फैमिली फ्रेंड्स बन गए। बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन गए। अभी ऐसा था, उसके बाद मैं जॉब के लिए गल्फ में था जी, वहाँ से मैं उसको कॉल्स करता था कि कैसे क्या है। और तभी मेरे घर पे मेरी शादी की बातें चल रही थी, मतलब वी वर अरेंज मैरिज के लिए लड़के देखने चला था, तो मैं सोच रही थी कि यार इतना अच्छा लड़का क्यों इसको मैंने स्कूल में राखी बांधी, नहीं तो ये राखी नहीं बांधी होती तो शायद इससे मैं शादी कर लेती। यस, तभी इट्स ऐसा था कि बस मैं वहाँ से मेरे फोटोज उसको भेजता था, तो ऐसे चल रहा था सिलसिला। मैं आ गया सडनली, मैं घर पे आ रहा हूँ, मैंने उसको कॉल कर दिया कि आज हम लोग डिनर करने मिल रहे। ये जो थ्रू आउट डिनर कोर्स ये मुझे ऐसे बहुत हिंट्स दे रहे थे, मतलब तू इतनी अच्छे सब कुछ अच्छा, मतलब अगर तेरी जुड़वा बहन होती ना तो मैं तो उससे शादी फॉरवर्ड कर लेता। पहली हिंट, एक टिप छोड़ दिया। आई वाज लाइक ओके जुड़वा बहन तो व्हाई नॉट मी। आपके अंदर भी है भैया का प्यार नहीं है तो मैंने बोल दिया। और मैंने एक काम करते, अभी 15 दिन में तो मैं जा रहा हूँ, तो एक बार हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ऐसे ही घूमने के लिए, और हम लोग ने प्लान बनाया करनाला जाने का। तो बस निकल पड़े हम लोग बम्बई से। सफर में ये बोल रहे तो मैंने ऐसे ही पूछा कि तुक्का लगा ये तुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई आज तक के? तो बोलते अभी आपकी तरफ से बुलबुला फूट रहा है। हां वो चालू हो गया है रे एक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे करूं। मैंने बोला क्या बात कर रहा है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, तो कौन है मैं जानती हूँ क्या? तो इनका डायलॉग एक्चुअली ना तू ही उसे बहुत अच्छे से जानती है, तो मुझे तो पक्का गारंटी हो गई। तो अभी मैं मतलब ये सुबह 7-8 बजे की बात है। अच्छा। तो सुबह 9 बजे 4 बजे मैं तो उसको घुमा ही रहा था। 4 बजे आई गॉट कम्प्लीटली इरिटेटेड। मैंने बोला छोड़ यार तू मत बता, लेकिन मुझे खाना तो किला, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलते। नहीं वो लोकेशन से होटल्स दूर थे थोड़े, तो इन्होंने कहा ठीक है सिर्फ 5 मिनट तो बैठो यहाँ पे। तो ये बैठे मेरे एकदम बाजू में आके बैठे और फिर मुझे बोला कि एक्चुअली ना वो तुम ही लड़की हो जो मुझे क्लिक होती है, क्लिक हो रही हो। हाँ, तो मैं इतने जोर से हंस पड़ी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन, मैं एकदम जोर से हंस पड़ी, ये हंस रही और मैं देख रहा हूं। मैं बोला अरे यार मुझे पता था मैं ही क्लिक हो रही हूँ, लेकिन बताने के लिए इतना टाइम क्यों लिया भाई? ये सब डोंबिवली में बोल देती थी तो इतना टाइम। तो ऐसा था अभी घर पे बता, अभी हो तो गया, प्रपोज तो कर लिया, एग्री हो गया, तो एक एपिसोड खत्म हो गया, अभी दूसरा एपिसोड चालू। हाँ, तो इसका क्या हुआ फिर? मैं बोले अभी एक काम कर, भाई को तो तू ही पहचानती है, तू ही फोन कर। मैंने फोन भी नहीं किया, तो फिर मैंने कॉल किया, फाइनली कॉल इसने घर पे किया, मुझे एक बात करनी थी, लोग सोच रहे कि शादी कर ले अभी एक दूसरे से। वो भी शौक
मेरे और इसके पेरेंट्स हम लोग इनके घर पे गए। 11 o'clock को हम लोगों ने इनके घर में एंटर किया और हम लोग ने ऐसे जस्ट थोड़ा सेटल होके बात चालू कर रहे थे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे। इतने में 11:30 को इनके गुरुजी का फ़ोन आया कि एंगेज आज का दिन बहुत ही अच्छा है तो एंगेजमेंट आज ही करनी है और 5:30 बजे ही रिंग पहनानी है। जी तो फिर 5:30 बजे सगाई हो पाई कि नहीं हो पाई? हाँ, हो फाइनली 4 बजे। 4 बजे हम लोगों ने एंगेजमेंट पसंद की जी, जो भी मिली पड़ा और मैंने बोला भी अभी ले लो बात का बाद में देखेंगे, पहला एंगेजमेंट जरूरी है। तो अभी इनका सबसे फनी क्या है यू तो नो ना कि वी गर्ल्स आर सो पर्टिकुलर अबाउट कि एंगेजमेंट और शादी में यार मुझे बहुत लुक दिखना है, लेकिन तो कुछ था ही नहीं, जो साड़ी मिली पसंद कर ली और मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं अरेंज हो पाई तो मेरे फ्रेंड ने ही मेकअप कर दिया, तो उसने ऐसे धब्बे 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 लगा दिए। एंगेजमेंट के फोटोज मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाए और मैं खुद भी नहीं दिखती, तब मैं वापस थोड़ा कंफ्यूज था भाई ये क्या हो रहा है। तो सगाई हुई उसके बाद आप वापस चले? मैं वापस चला गया। आपकी शादी कितने अरसे बाद हुई? 9 months का गैप था। 9 months तो बस 9 months के बाद मुझे भी इंडिया रिटर्न आना था तो एक डेट फिक्स हुई हमारी, तब वो सब हम लोग प्रॉपर सेटल करके सब हुआ, फिर मैं रिटर्न आ गया। उसके बाद हम लोग हनीमून गए, हनीमून के बाद वापस 1 महीना मैं उसको लेके गया क्योंकि मेरा रिजाइन पीरियड था 1 month ड्यूरेशन का जो नोटिस पीरियड हम लोग बोलते हैं, तो वो सेकंड हनीमून हम लोग दुबई में सब एंजॉय करके हम लोग आ रहे हैं और आज तक हमारा हनीमून चल रहा है। अच्छा, शादी के बाद लड़की के लड़के के दोनों के जिंदगी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ओके, तो आपके लाइफ में कितने चेंजेस आए? मैं मुंबई में इनसे 2 साल पहले से रह रहा हूँ, तो एज अ बैचलर मैंने बड़ा एंजॉय किया, अकेले रहता था, अकेले फ्लैट फ्लैट में, अपना टीवी, अपना फ्रिज, अपना फ्लैट, जब मर्जी तब आओ, जब मर्जी तब जाओ। फिर इनकी जब एंट्री आई तो उसने पूरी घर की रूपरेखा ही बदल दी। अरे ये यहाँ शूज कैसे रखा है, ऐसे थोड़ी ना रखते, ये रैक कैसी रखी है, इसको फेंको, नई लाओ, इसको ये करो, इसको वो करो। मैंने कहा बाप रे, मतलब मैंने घर रहने लायक बनाया। ये तो लाइफ में आपके चेंजेस हुए थे, ऑफ कोर्स आप भी दिल्ली से पूरा बेस शिफ्ट करके मुंबई आई जी, बिल्कुल। तो आप बताइए आपके पार्टनर में कितने बदलाव आए हैं? जब इनसे बात होनी शुरू हुई, जब इन्होंने उस समय मुझसे कॉन्टेक्ट किया, जब आगे बात बढ़ी, तो उस समय अब वही एटीट्यूड के साथ और मेरे वही डिमांड्स के साथ मैं इनके साथ गई जो रहते हैं, तो इन्होंने भी फुलफिल करी, जैसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देना, मुझे बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स देना शादी से पहले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गिफ्ट्स मिलते मिलते वो एक लेवल सेट हो गया मेरे लिए, एक्सपेक्टेशन लेवल सेट हो गया, अब तो मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, शादी कर लेते हैं। अब कर ली शादी, पहले के 3 महीने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत ही रोमांटिक। पहले किस तरह के क्या गिफ्ट्स देते थे? अब मान लीजिए कॉस्मेटिक्स हो गए, मान लीजिए आप बैग्स हो गए, क्लोथिंग एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव, ब्रांडेड ब्रांडेड। तो शादी के 4 महीने के बाद बिल्कुल बिल्कुल कट कट, नो ब्रांड नो ब्रांड। ये कौन सा ब्रांड क्या मतलब, वो भी बंद, गिफ्ट भी बंद हो गए? नहीं, गिफ्ट कम हो गए, गिफ्ट कम हो गए और ब्रांड भी आउट, ब्रांड आउट हो गए, एक्सपेंसिव से नीचे बिल्कुल बिल्कुल। बजटिंग भी चालू है, ब्रांडेड शॉपिंग से स्ट्रीट शॉपिंग हो गई, बिल्कुल। अब वही बोलना पड़ेगा। शादी को कितने साल हुए? अभी तो अभी 8 महीने, साल भर में नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, साल भर में इतना परिवर्तन। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, तो गया मेरे 8 साल, हमारे आपके 8 साल हो गए, लेकिन आपका वो फेस जब आप शादी से पहले वहाँ चले गए थे, उस वक्त कितना फोन आता था, क्या करते थे, किस तरह के बदलाव आए? बदलाव कितने? पहले तो जैसे बोला कि इंटरनेशनल कॉल था अबू धाबी में, देयर वाज नथिंग, नो सोशल मीडिया, नो नथिंग, ईमेल्स, कुछ भी नहीं। ऑलमोस्ट हर 1 घंटे में फोन था, क्या कर रही हो, कुछ खाया कि नहीं, ऑफिस पहुंचे कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, मतलब दिन में टोटल हम लोग 5 से 6 घंटे इंटरनेशनल कॉल पे बात करते थे। फिर शादी के बाद भी कुछ महीनों तक ये सिलसिला जारी रहा, ऑफिस में जाते थे तो मुझे कम से कम 6-7 बार तो फोन आता था कि कैसी हो, क्या कर रही हो, अच्छा हमको कुछ प्लान बनाते हैं एंड ऑल दोस थिंग। और अभी ऐसा हो गया है कुछ सालों से ऑफिस में, मैं उनको सुबह फ़ोन करती हूँ, मेरा हमेशा कह कि जैसे ही पहुँचता है कि पहुँच गए, कुछ खाया कि नहीं, तो अरे यार मैं भी बिजी हूँ बहुत, बाद में बात करते हैं, आई विल कॉल यू बैक। शायरी बहुत अच्छे से भेजते थे मुझे, मेरे ऊपर कुछ पोएम बनाएंगे, अभी तो वो क्या पोएम, पूरा गद्य हो गए वो, जैसे गद्य हो गए। तो ये जो बदलाव आए हैं, ये
क्यों आए हैं, इसका रीजन क्या है ऐसे आपको लगता है? मेरे हिसाब से जो लगता है कि पहले के जो महीने होते हैं शादी के, या जैसे हमारे केस में भी नई नई शादी हुई है, तो पहले के महीने हम एक दूसरे को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। अब जब पता चल जाता है कि अब ये दूसरी पार्टी इम्प्रेस हो गई है, वो आराम से हमारे पास सेटल हो गई है, वो जान गई है हमें, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अब बस वो एक रीजन है जहाँ पे हम उसे जाने देते हैं और कहते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि अब आप नॉर्मल हो जाते हैं। पहले आप एक्स्ट्रा करते हैं, बाद में आप कम कर देते हैं, क्योंकि तब आप कम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वो ही हैं। ये सॉलिड लाइफ है, बॉटम लाइन सॉलिड थी कि आप वही हैं। मतलब ओरिजिनल जो है वो बाद में दिखते हैं, स्टार्टिंग में तो एक मास्क होता है। अच्छा ठीक है, ये आपका सोचना है, आप बताइए। जैसे ही एक दूसरे को पता चलता है कि ना अभी तो ये पूरी तरह से पट गई है या पट गया है तो अभी आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा टू यू नो इम्प्रेस हिम फर्दर, तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है और थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जैसे शादी के बाद बढ़ जाते हैं, तो शायद उतना रोमांटिसिज्म पॉसिबल नहीं होता रिलेशनशिप। प्रायोरिटीज करेक्ट। अच्छा ये तो बातें हो गई कि आपने बदलाव कर दिए या ये बदल गए, अभी भी कोई एक ऐसी चीज है जो अपने पार्टनर में आप चाहती हैं कि वो बदल जाए? चीज तो ऐसी है नहीं, लेकिन बस कुछ पर्सनल चीजें ऐसी होती है कि जितना मैं इम्पोर्टेंस उसके फैमिली को देता हूँ, जैसे मदर इन लॉ, बाय गॉड मुझे बहुत अच्छे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ मिले जी, उतना मैं चाहता हूँ कि जैसे वो मेरी माँ को इम्पोर्टेंस देती है, तो हमारे फैमिली में और भी बहुत सारे मेम्बर्स रहते हैं, तो वो सबको वो सेम इम्पोर्टेंस है, ये मेरी ख्वाहिश है। बस उसके लिए उसके कुछ वैल्यूज अलग है, सो वो उसके जगह पे सही है, मैं मेरे जगह पे सही हूँ। अच्छा जी जी, मैं चाहूंगा कि थोड़े पेशेंस रखें अपने में, बाकी तो परफेक्ट ही हैं। Okay. सब सही होगा। 8 महीने भैया परफेक्ट जो सब क्या है ना क्या है, बदलाव ना लाइफ में बहुत जरूरी है शर्मा। Yes. बदलाव होते हैं तो लाइफ मोनोटोनस नहीं होती है, लाइफ थोड़ी सी बदलती रहती है, मजे आते रहते हैं। बोलते हैं ना चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। करेक्ट करेक्ट। जी हाँ, बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ अलग करते हैं, गेम खेलते हैं। क्या बढ़िया बदलाव का सोचा है भाई। चलिए गेम खेलें। चलिए भाई, हमारे गेम का नाम है नींबू पानी। ओके तो शर्मा बताओ क्या करना है। बहुत सिंपल है, आपको तो पता है, आपको बांधा हुआ है। बन तो गए हम लोग असल में। आप साथ में यहाँ से वॉक करके आएंगे, आपके दोनों के मुंह में एक चम्मच होगा, चम्मच से आपको नींबू उठाना है, यहाँ आना है, बोल में डाल देना है। कम से कम समय में जिसके बोल में सबसे ज्यादा नींबू होंगे वो होगा इस गेम का विजेता। तैयार हैं आप? रेडी? चलिए। थ्री टू वन गो। उठाइए उठाइए, शाबाश। वो बाहर एक गया, शाबाश। क्या बात है, क्या है, आराम से आराम से। वेल डन वेल डन वेल डन। बाटे की टक्कर। हाँ क्या बात है यार, वो उठा गया धना पे। यस यस, गल्फ में भाई साहब लगता है नींबू नहीं मिलते थे आपको। हाँ क्या नहीं भाभी जी, बस एक उठाई पाती है फिर छोड़ देती है। वेरी गुड, रन 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 रन, शाबाश, इज वेरी गुड। चलिए चलिए, भागिए 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 भागिए, आप एक नींबू पीछे हैं उनसे, दोनों अगर एक बार में उठा लेंगे तो मजा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, विल गिव इट टू यू, विल गिव इट टू यू। भाई साहब कम से कम 100 लोग आने वाले हैं घर पे, उनके लिए नींबू पानी बनाना है तो ज्यादा नींबू चाहिए ना। चलिए फटाफट, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, भाई साहब जल्दी कीजिए जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मेरे हाथ में मिस्टर एंड मिसेस स्टीफन का बोल है जी, जिसमें कितने नींबू है मैं काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
12 और एक गिर गया था वो अभी हम आपको दे देते हैं 13 नहीं इसमें कितने नींबू लाए हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या बात है भाई साहब ये ट्रॉफी जाती है मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी थैंक यू आप हुए हमारे विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट थैंक यू चलिए हमारे मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी को सजाते हैं बिल्कुल आपने जो हमारे घर में वक्त बिताया उस बिताए हुए वक्त में डेफिनेटली आपको कुछ लगा होगा अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए आप कुछ कर सकते हैं उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए शादी के जो 7 वचन है वो तो मेरे तरफ से मैंने सब निभाए हुए है लेकिन एक ही चीज है जो उसको पसंद नहीं आ रही आजकल की संडे को मैं उसको किचन में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आज से ख्याल रखूंगा कि कभी भी संडे आएगा तो मैं उसकी जो ये चाहत है कि किचन में उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाऊँ तो मैं फुलफिल करूँ आप गवाह हो बिल्कुल गवाह साइन भी कर दी सारा जहां गवाह है अब इस बात का नहीं मैंने तो साइन भी कर दी जी मैं ये वचन देना चाहूंगी मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा आपकी तरह वक्त से वक्त के पाबंदी में चलूं और टाइम पे रेडी हो फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ढूंढा 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर 1 2 3 4